Hello, very good afternoon, friends. Welcome to today's market update. Well, the much awaited pullback. मैं कहूंगा कि पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू सेल ऑफ था और काफी मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक पुलबैक के लिए वेट कर रहे थे. अब कल के सेशन में जो लास्ट आर में जो हमने सेल ऑफ देखा उसमें मोमेंटम रीडिंग्स डेली चार्ट पे ओवरसोल्ड जोन में थे. आई थिंक वो ओवरसोल्ड जोन की वजह से ही आज का पुलबैक है. बट क्या हम बॉटम बना चुके हैं? क्या ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है? मेरी राय में अभी तक हम बॉटम नहीं बनाए हैं और इसको मैं जस्ट एक पुलबैक मूव तरीके से देखूंगा. 20 आवर का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो पिछले कुछ दिनों से एवरी पुलबैक मूव में मैं आपको बता रहा था कि वो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, अब हम उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं जो 16,050 के आसपास प्लेस्ड है. तो अगर हम आज ये 16,050 का लेवल क्रॉस करते हैं राइट, तो यहां पे हम ये पुलबैक और एक्सटेंड होते हुए फिर देख सकते हैं. और जनरली क्यू के काफी शार्प करेक्शन आके गया है तो पुलबैक मूव भी थोड़ा शार्प या थोड़ा और एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. सो एज ऑफ नाउ इट सीम्स कि इनकेस 16,050 के ऊपर आज हम थोड़ी देर सस्टेन रहते हैं तो जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे, सबसे पहले रहेगा 16,200 से 220 का रेंज, वहां पे हम ये इंडेक्स को जाते हुए देख सकते हैं. सो मे बी टूडे एंड मंडे ये दो ट्रेडिंग सेशन एटलीस्ट हम नो ये अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी तेजी रहेगी. बट हायर लेवल्स पे आपको पता है क्या करना है, फिर से हायर लेवल्स पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा वहां पे शॉर्ट करने के लिए. अब यहाँ पे दो रेफरेंस लेवल्स रहेंगे, एक तो 220 से 240, 16,220 से 16,240 ये एक रेजिस्टेंस है. उसके बाद जो रिसेंट करेक्शन है उसका 38.2% रिट्रेसमेंट आ रहा है 16,360 तक. तो अगर ये रैली एक्सटेंड होती है, ये पुलबैक एक्सटेंड होता है तो मैक्सिमम जगह 16,360 तक है राइट. सो दीज आर द लेवल्स दैट आई एम वॉचिंग फॉर, लेट इट गो. अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स है या जस्ट एक से दो दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो यू कैन ट्रेड विद अ पॉजिटिव बायस, क्योंकि काफी सारे बीट एंड रन स्टॉक्स जो है उनमें आप शॉर्ट कवरिंग की वजह से थोड़े शार्प अप मूव्स देखेंगे. सो लेट इट गो टुवर्ड्स 16,200-240 और इफ इट एक्सटेंड्स देन टुवर्ड्स 16,360. दिस इज द मैक्स अपसाइड दैट वी आर लुकिंग और उसके बाद हम फिर से डाउन मूव, नेक्स्ट लेग ऑफ करेक्शन हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो प्ले आउट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी. अगर आप लॉन्ग्स में फंसे हैं तो वेट कीजिए थोड़े और पुलबैक के. अगर ये हम 20 ईएमए क्रॉस करते हैं और अगर 16,050 के ऊपर आज सस्टेन होते हैं देन यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 16,200-240 रेंज, जहां पे आप फिर से लाइटन अप होना स्टार्ट कर सकते हैं. और दूसरी प्रोबेबिलिटीज ये भी है कि हम फिर से 20 ईएमए पे रेजिस्ट करें अभी 16,050 के आसपास और यहां से ही सेल ऑफ देखें. सो आई थिंक दिस वुड बिकम मच मोर क्लियर इन द सेकेंड हाफ टूडे. So these are the probabilities that I'm watching for in Nifty. Now coming on to the stock specific ideas, buy recommendation है आज HUL में. Recently हमने देखा है कि गिरते हुए market में stock ने एक relative outperformance दिखाया था और क्योंकि इस fall के market में कोई भी defensive plays नहीं थे, जैसे IT, pharma ऐसे stocks में हमने कोई भी यहाँ पे as a defensive act करते हुए नहीं देखा, तो possible है HUL में क्योंकि relative outperformance है तो यहाँ पे थोड़ा buying interest दिखेगा. उसका 200 DMA ही टारगेट है, ज्यादा एग्रेसिव अपसाइड फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूं टारगेट्स, बट इसका 200 DMA 20-70 के आसपास प्लेस्ड है, वहां तक ये जा सकता है. करंट लेवल्स पे 2100-2190 के रेंज में आप बाय कर सकते हैं, 2140 का स्टॉप लॉस, 2270 के टारगेट्स. आई होप यू लाइक आवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन. मैं फिर से आपको मंडे को मिलूंगा विद अवर अपडेट. टिल देन हैव वेरी गुड ट्रेडिंग सेशंस. थैंक यू.